दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर तो इंस्टाग्राम को यूज करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ। काफी पर्सन के मैसेज मुझे इस तरह के देखने को मिलते हैं, कमेंट भी देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील्स वीडियो को अपलोड करते हैं और हमारी कुछ रील्स वीडियो मिलियंस में उस पर व्यूज थे और वो वीडियो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गई, यानी कि वो डिलीट हो गई। इंस्टाग्राम की तरफ से उनको डिलीट कर दिया गया है और वो जो हमारी वीडियो थी उन पर जो व्यूज आया करते थे वो मिलियंस में थे, मतलब बहुत ज्यादा व्यूज वाली वो वीडियो थी, वो चलती रहती थी, उन पर व्यूज आते रहते थे, लाइक भी आते थे, कमेंट भी आते थे। तो ऐसी रील्स की वीडियो कोई कहते हैं कि मेरी 5 रील्स की वीडियो ऐसी थी जो कि इंस्टाग्राम की टीम ने डिलीट कर दी, कोई कहता है कि मेरी 10 थी, कोई कहता है 8 थी, कोई कहता है 15 रील्स मेरी रिमूव हो गई। तो इसी तरीके से सभी लोगों की अलग अलग जो है यहाँ पर किसी की 10 थी, किसी की 8 थी, किसी की 5 थी, किसी की 3 थी। तो वो इस तरह की वीडियो थी जिनमें मिलियंस में व्यूज थे, लाइक थे और उन वीडियो को इंस्टाग्राम की टीम ने रिमूव कर दिया अकाउंट से, उनको हटा दिया वहां से, उनको डिलीट कर दिया। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि ऐसा आपके साथ में क्यों हुआ है और ये जो आपकी वीडियो को रिमूव डिलीट किया गया है इसका क्या रीजन, क्या कारण है। सारी चीज अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको बने रहना है, एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जब अपने अकाउंट पर रील्स वीडियो को अपलोड करते हो तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने जो वो वीडियो अपलोड की है वो वीडियो आपकी खुद की है या फिर आपने कहीं से उसको उठा करके ऐसे ही अपलोड कर दी। कुछ लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरों का वीडियो उठाते हैं, उसको एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद में ये सोच लेते हैं ये वीडियो तो हमारा हो गया और इसको अब अपलोड कर दें। तो ऐसी जो वीडियो होती है वो कॉपीराइटेड वीडियो होती है, उनको इंस्टाग्राम की टीम यहाँ पर हटा देता है, उनको रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। अच्छा, कुछ वीडियो इस तरह की होती है जो कि इंस्टाग्राम की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके खिलाफ होती है, तो कुछ दिन के बाद में वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर दी जाती है, उनको भी इंस्टाग्राम रिमूव करता है। अच्छा, अगर आपकी खुद की ओरिजिनल वीडियो है, यानी कि आप वीडियो के अंदर खुद मौजूद हो और आपकी वो वीडियो ठीक चल रही है, तो ऐसी वीडियो कभी भी रिमूव नहीं हो सकती, कभी भी डिलीट नहीं हो सकती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आपकी वीडियो डिलीट होगी तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी, वो आप ही की तरफ से होती है। आप ये सोचते हो कि ये वीडियो तो हमने अपलोड की, ये वीडियो तो हमारी थी और हमने इसको एडिट करके अपलोड किया था, तो उसमें एडिट करने से वो वीडियो आपका नहीं हो जाता। और कोई भी ऐसी वीडियो अगर आप डालोगे जो कि इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो तो वो वीडियो भी नहीं चल पाएगी। आपको समझना होगा, ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। आप ये तो बोल देते हो कि मिलियंस में हमारी वीडियो पर जो है व्यूज थे और हमने जो है उनको काफ़ी टाइम से चल रही थी, व्यूज अच्छे आ रहे थे और इंस्टाग्राम ने एकदम से रिमूव कर दी, तो इंस्टाग्राम ने क्यों रिमूव की ये भी चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। इसका कारण यही होता है, या तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ वीडियो थी या फिर जो है वो किसी दूसरे की वीडियो थी, कॉपीराइट वीडियो थी, आपने किसी और की वीडियो को डाल रखा था अपने अकाउंट पर, तो ऐसे कारण हो सकते हैं, इसी वजह से आपकी वीडियो को डिलीट किया जाता है। और अगर ओरिजिनल आपकी खुद की वीडियो होगी, उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं होगी, तो वो वीडियो क्यों करेगा इंस्टाग्राम डिलीट, कभी भी नहीं करेगा। बहुत लोगों की चल रही है, उनकी तो डिलीट नहीं होती है, आप ही की क्यों हुई है, वो इसीलिए हुई है कि गड़बड़ आपकी तरफ से है। आपको जो है ओरिजिनल कंटेंट बनाना चाहिए, ओरिजिनल वीडियो बनानी चाहिए अपनी खुद की, वो अपलोड करनी चाहिए और उसके बाद में फिर आपके साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपकी वीडियो डिलीट हुई है वो भी वापस नहीं आएंगी क्योंकि उनमें कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गड़बड़ थी, इसी वजह से इंस्टाग्राम ने ये एक्शन लिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।